एक सवाल है कि जैसे एक रिश्ता तय हो गया है निकाह का, जैसे सब कुछ हो गया है, जैसे शादी का डेट भी फिक्स हो गया है, लेकिन अब ठीक जो है है मतलब लड़की का लड़की, जी जैसे लड़की के गांव के कोई शख्स कह रहे हैं फोन ला के, जैसे मेरे भाई को, कि देखो लड़की ऐसी ऐसी है, तो अब क्या रिश्ता तोड़ना, मतलब तोड़ना कैसा है अब रिश्ता को, मतलब तोड़ देना। आप ये बताइए, एक मिसाल मैं देता हूं आपको। जैसे कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं, हालांकि ये सामान नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। कोई जी सामान आप खरीदना चाहते हैं और बात वगैरह हुई है, आपकी बात चल रही है, आप उसको खरीदने वाले हैं 1-2 दिन में। अगर कोई फोन करके आपको बोले कि वो सामान अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? जाहिर है आप पता करेंगे, आप तहकीक करेंगे कि क्या ये आदमी जो बोल जी रहा है क्या मेरा खैर ख्वाह है, क्या हकीकत में ये जो है उस सामान के अंदर कोई परेशानी है, आप पता करेंगे। हो सकता है सामने वाला खैर ख्वाह हो आपका, या हो सकता है आपसे झूठ बोल रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे बीमार होते हैं हमारे समाज में कि शादी ब्याह के मसले में वो सामने आकर के झूठ बोलते हैं, कभी लड़की वाले को भड़काते हैं, कभी लड़के वाले को भड़काते हैं, हालांकि ये उनके लिए जायज नहीं है। तो आप तहकीक कीजिए, हकीकत में अगर उस लड़की के अंदर ऐसी कोई परेशानी है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो परेशानी हो, तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, ऐसा कई दफा होता है कि लोग झूठ बोलते हैं या कोई मामूली बात रहती है उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह बताते हैं कि वो रिश्ता टूट जाए। तो आप तहकीक कीजिए। ठीक है जी अफजल भाई जी। जी शेख, जी शेख तहकीर भी किया है, जैसे जो जिस लड़का उसी का गांव में एक जो है मतलब वही निकाह का बात किया है, तो उससे हमने बोले हैं कि ऐसे नहीं, वो कह रहे कि सब ठीक है, मतलब लड़की अच्छी है, वो फिर कह रहे हैं लड़की अच्छी है। भाई मेरे, निकाह का मसला मुकम्मल तौर से जिस लड़के की शादी हो रही है, हमारी शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है। ऐसा देखिए, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके जिनकी वजह से निकाह करना जायज ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज नहीं है, लड़की के अंदर कोई ऐब है, कोई परेशानी है, कोई छोटी मोटी चीज है, तो शरीयत आपको इख्तियार देती है। आप चाहें तो निकाह कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं। तो इसमें शरीयत आपको पाबंद नहीं बनाती है। आप पता कीजिए आपके लिए सुटेबल है, मुनासिब है वो रिश्ता, तो आप कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए।